காஞ்சி சங்கராச்சாரியர் ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் வேண்டுகோளின்படி தென் மாநில கோவிலுக்கு புனித யாத்திரை மேற்கொண்டுள்ளார். அதன்படி ராம ஜென்மபூமி அறக்கட்டளையின் முக்கிய நிர்வாகியான பூஜ்ய ஸ்ரீ ஜெகத்குரு வாசுதேவானந்த சரஸ்வதி சங்கராச்சாரியார் சுவாமிகள் மதுரை வருகை புரிந்தார். அப்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜனாதன தர்மத்தை கட்டி காத்து வருகிறார் என்று அவர் கூறினார். कलंक भारत के मध्य पर से छूट गया। भारत एक हिंदू साम्राज्य की तरफ हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है और वो राम राज्याभिषेक के ही समय से ही प्रारंभ। टूरिज्म के रिस्पॉन्स भी कितना होगा? नहीं, दक्षिण भारत से लोगों की भी नॉर्थ को जाएगी ना, वो भी रिस्पॉन्स। इसके राम मंदिर तो स्थापना के बाद वो दक्षिण दर्शनार्थी का दक्षिण भारत से भी दर्शनार्थी कैसे आ रहे हैं, वहाँ की भीड़ कैसे है, रेस्पॉन्स कैसा है? दोनों रास्ते में इंटरकेशन होगा, दक्षिण और उत्तर।